हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं भारत के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ फैक्ट्स। फैक्ट वन, दाऊद ने अपने स्कूल लेवल पर ही पढ़ाई छोड़ दी थी और बचपन से ही ड्रग सप्लाई, चोरी, डकैती काम करने लगे। दाऊद इब्राहिम के पिता पुलिस में थे और उनका बेटा भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल। फैक्ट टू, दाऊद ने अपनी आपराधिक करियर की शुरुआत करीम लाला के गैंग से की थी। करीम लाला उस वक्त मुंबई में जाना माना अपराधी हुआ करता था। 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम का नाम अपराधी जगत में उभरने लगा। फैक्ट थ्री, दाऊद के बारे में एक फैक्ट है कि वह क्रिकेट में भारत की हार पर रो देता है। एक बार दाऊद 1986 में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में गया था और वहां पाकिस्तान को बुरी तरह से हराने के लिए सभी को एक एक गाड़ी देने का ऑफर दिया था, लेकिन कपिल देव ने उसे वहां से डांट कर भगा दिया था। फैक्ट फोर, कहा जाता है कि कई डायरेक्टर्स ने दाऊद को अपने ऊपर खुद फिल्म बनाने के लिए कहा था। दाऊद के जीवन पर अब तक डीडी डे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूट आउट एंड लोखंडवाला और ब्लैक फ्राइडे जैसी देसी फिल्में बन चुकी। फैक्ट फाइव, और डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम भारत से बाहर रहकर अपना साम्राज्य चलाता है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार इसकी संपत्ति 43,000 करोड़ से ज़्यादा है और इसी संपत्ति के साथ वह दुनिया के टॉप 3 अमीर डॉन की लिस्ट में शामिल है।